भजनलाल परिवार की सियासत का सेंटर प्वाइंट रही हिसार लोकसभा सीट पर बड़ा उलटफेर होने के आसार बन गए हैं। बीजेपी ने हिसार सीट को लगातार दूसरी बार जीतने के लिए बड़े नेता रणजीत सिंह को मैदान में उतारा है। रणजीत सिंह पूरी मुस्तैदी के साथ अपने चुनाव प्रचार में जुट गए हैं, लेकिन अचानक ही उनके लिए बड़ी सिरदर्दी पैदा हो गई है। इस सिरदर्दी का नाम है चंद्रमोहन। पूर्व सिंह भजनलाल के बड़े बेटे चंद्रमोहन पिछले लंबे समय से गर्दिश के दौर से गुजर रहे हैं। अब कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी के अंदर हिसार सीट के लिए चंद्रमोहन के नाम की एंट्री हो गई है और चंद्रमोहन की ये सरप्राइजिंग एंट्री हिसार सीट के चुनाव परिणाम को बदलने का काम कर सकती है। यह भी कह सकते हैं कि रणजीत सिंह के लिए चंद्रमोहन सबसे बड़ा खतरा साबित हो सकते हैं। रणजीत सिंह के लिए खतरा इसलिए है क्योंकि चंद्रमोहन के छोटे भाई कुलदीप बिश्नोई बीजेपी के टिकट के प्रबल दावेदार थे और उनकी टिकट कटने के बाद भजनलाल परिवार के 1 लाख से ज़्यादा पक्के वोट बैंक में नाराजगी का आलम है। और ऐसे में अगर कांग्रेस ने चंद्रमोहन को हिसार सीट से टिकट दे दी तो ये सारा वोट बैंक बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस के पाले में जा सकता है। यानी इससे जहां एक ही झटके में कांग्रेस को सीधा 1 लाख वोटों का फायदा होगा, वही बीजेपी को 2 लाख वोटों का नुकसान होगा। क्योंकि अभी तक ये माना जा रहा था कि बिश्नोई समर्थक वोटर बीजेपी को वोट देंगे, लेकिन कुलदीप बिश्नोई की टिकट कटने के बाद उनका वोट बैंक नाराज है और ये नाराजगी चंद्रमोहन के साथ अटैच होकर हिसार लोकसभा सीट के चुनाव परिणाम को बदलने का काम कर सकती है। यही वजह है कि चंद्रमोहन का नाम आना हिसार सीट के लिए नए समीकरणों को जन्म दे रहा है। हिसार सीट पर कांग्रेस की तरफ से 2 जाट चेहरे यानी पूर्व सांसद ब्रजेंद्र सिंह और जेपी टिकट मांग रहे हैं। ब्रजेंद्र सिंह ने अपनी टिकट बीजेपी में कटती हुई नजर आने के बाद अचानक ही कांग्रेस ज्वाइन कर ली थी और इसी तरह जयप्रकाश भी हिसार सीट से चुनाव लड़ने के लिए लगातार लोबिंग कर रहे हैं। वो भूपेंद्र हुड्डा के जरिए टिकट हासिल करने की हर मुमकिन कोशिश भी कर रहे हैं। जहां तक गैर जाट नेताओं की बात है तो गैर जाट नेताओं के अंदर चंद्रमोहन का नाम सबसे आगे आ गया है। उसके बाद में बरवाड़ा के पूर्व विधायक रामनिवास घोड़ेला भी टिकट की दौड़ में शामिल हैं। पूर्व आईएएस चंद्र प्रकाश भी टिकट की कतार में लगे हुए हैं। पूर्व मंत्री संपत सिंह के बेटे गौरव संपत सिंह भी टिकट की कतार में थे, लेकिन उनका नाम कहीं न कहीं पीछे छूट गया है। ऐसे में अब चंद्रमोहन की एंट्री हिसार सीट के लिए एक नई कहानी लिखने का काम कर सकती है। जाहिर सी बात है, हिसार सीट पर लगभग 6.5 लाख के आसपास जाट और चमार वोटर जहां इस समय बीजेपी के खिलाफ नजर आते हैं, वहीं गैर जाट वोटरों में खासतौर पर बीसी वोटरों में अभी तक बीजेपी का दबदबा नजर आ रहा था। लेकिन चंद्रमोहन को अगर कांग्रेस ने टिकट दे दी तो वहां पर बीसी वोटरों के समीकरण बदल सकते हैं और 5 लाख बीसी वोटरों में से आधे वोटर पलटी मार सकते हैं। इसकी वजह यह है कि चंद्रमोहन की इमेज हिसार पार्लियामेंट में खराब नहीं बल्कि पॉजिटिव है। चंद्रमोहन को हिसार में अच्छा इंसान माना जाता है, उनको लेकर कोई नेगेटिविटी नहीं है और ऐसे में कुलदीप बिश्नोई की टिकट कटने के बाद भजनलाल परिवार का पक्का वोट बैंक एक ही झटके में चंद्रमोहन के साथ लामबंद हो सकता है। इसके साथ साथ और भी बीसी वोटरों में नई मुहिम छिड़ सकती है जो बीजेपी के चुनावी समीकरणों को बिगाड़ने का काम कर सकती है। रणजीत सिंह बड़ी आसानी के साथ चुनाव जीतने के लिए उम्मीद कर रहे थे, लेकिन अगर कांग्रेस ने जाट की बजाय किसी बीसी चेहरे पर या चंद्रमोहन पर दाव लगाने का काम कर दिया तो उन हालात में हिसार सीट पर चुनावी टक्कर कांटे की हो सकती है। एक एक वोट के लिए मुकाबला हो सकता है और रणजीत सिंह को चुनाव जीतने के लिए बरसक मशक्कत करनी पड़ सकती है। यानी हिसार सीट का चुनाव अब कांटे का होता नजर आ रहा है। ये सीट कांटे के टक्कर में फंस सकती है और अगर चंद्रमोहन को कांग्रेस से टिकट दे दिया तो इस सीट पर बड़ा उलटफेर भी हो सकता है। आज की तारीख में बेशक रणजीत सिंह सबसे मजबूत नजर आते हैं, लेकिन इसकी एक वजह यह भी है कि कांग्रेस ने अभी तक यहां पर टिकट का ऐलान नहीं किया है। जेजेपी की तरफ से नैना सिंह चौटाला चुनावी मैदान में उतर सकती हैं तो एनएलडी की तरफ से भी सुनैना चौटाला के चुनाव लड़ने के पूरे संकेत आ चुके हैं। लेकिन असली मुकाबला तो बीजेपी और कांग्रेस में होगा। यानी रणजीत सिंह के सामने कांग्रेस किस चुनावी मैदान में उतरेगी, उसके आधार पर ही हिसार सीट का चुनावी दंगल का माहौल तय होगा। लेकिन एक बात तय है कि अगर कांग्रेस ने चंद्रमोहन को हिसार सीट से टिकट देने का काम किया तो ऐसे में यहां टक्कर बेहद कांटे की हो जाएगी और रणजीत सिंह के लिए चुनाव जीतना आसान नहीं होगा, क्योंकि हिसार सीट के समीकरण साफ तौर पर अभी तक गैर जाट और जाट दो वोटरों में बटे हुए थे। ऐसी वोटर भी दो पलड़ों में बटे हुए थे।
लेकिन चंद्रमोहन की एंट्री के बाद ये सारे समीकरणों को लेकर खलबली मची हुई है और ये कहा जा रहा है कि अगर चंद्रमोहन आ गए तो कांग्रेस का पलड़ा इस सीट पर भारी हो सकता है। एक तरफ जहां रणजीत सिंह के लिए दूसरे नेताओं का समर्थन हासिल करना बड़ी समस्या बन गई है, वहीं चंद्रमोहन को टिकट देने के बाद कांग्रेस का पलड़ा भारी हो सकता है, कांग्रेस की चुनावी मुहिम मजबूत हो सकती है, यानी हिसार सीट के चुनावी समीकरणों में बड़ा उलटफेर हो सकता है। हिसार सीट पर चंद्रमोहन का नाम हल्का बिल्कुल नहीं कहा जाएगा, बल्कि उसे दमदार प्रत्याशी कहा जाएगा। उसके इर्द गिर्द में वोटों की लामबंदी होगी, उनके आने के बाद कांग्रेस का वोट बैंक मजबूत नजर आएगा और वो बीजेपी को कांटे की टक्कर देता हुआ नजर आएगा। 2019 के चुनाव में बीजेपी के टिकट पर बीरेंद्र सिंह के बेटे ब्रिजेंद्र सिंह बड़ी आसानी से चुनाव जीत गए थे। उन्होंने दुष्यंत चौटाला और भव्य बिश्नोई को एक तरफा मुकाबले में हराने का काम किया था, लेकिन 2024 का चुनाव बिल्कुल अलग माहौल में हो रहा है और इस अलग माहौल में अभी तक बेशक से पलड़ा रणजीत सिंह का भारी नजर आता है, लेकिन कांग्रेस ने अगर इस सीट को जीतने के लिए चंद्रमोहन पर दांव लगाने का काम किया तो उन हालात में यहां पर मुकाबला बिल्कुल भी एक तरफा नहीं रहेगा, बल्कि रणजीत सिंह कांटे के टक्कर में फंस जाएंगे और वहां का चुनाव परिणाम कुछ भी हो सकता है। यानी चंद्रमोहन की एंट्री हिसार सीट को लेकर खलबली मचाने का काम कर गई है और चंद्रमोहन का नाम कांग्रेस में सबसे ऊपर लिया जा रहा है। चंद्रमोहन का नाम हिसार पार्लियामेंट के लोगों में भी सबसे मजबूत प्रत्याशी के तौर पर लिया जा रहा है। अब देखने की बात यही है कि कांग्रेस क्या चंद्रमोहन को टिकट देकर हिसार की सीट को जीतने के लिए प्रयास करेगी, क्या वो रामनिवास घोड़ेला और चंद्र प्रकाश पर दांव लगाकर मुकाबले को कांटेदार बनाने की कोशिश करेगी, या ब्रजेंद्र सिंह और जेपी के जरिए रणजीत सिंह का रास्ता आसान करने का काम करेगी। हिसार सीट पर चुनावी घमासान को जानने के लिए आप खरी खरी न्यूज के साथ बने रहे। हिसार सीट पर चंद्रमोहन की संभावनाओं को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज के साथ बने रहिए। हिसार सीट पर रणजीत सिंह की चुनौतियों की गहराई को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज के साथ बने रहिए। हिसार सीट के चुनावी घमासान के संभावित परिणाम को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।